अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही उभरती हुई फनकारा मौजूद है जिनका नाम है परी जहां। इन्होंने बहुत से प्लेबैक गाने भी गाए हैं, आज इनसे कुछ बातें भी करेंगे, इनका कुछ आवाज़ भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी परी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। अरे परी साहब, पहले तो बताइए आपका ताल्लुक कौन से पाकिस्तान के शहर से? पाकिस्तान शहर से सियालकोट से हूँ मैं, हाजीपुरा से। ठीक। अच्छा, तो आप इस फील्ड में आए कितनी देर हो गई है? मुझे बचपन से शौक था इसे कि मैं इसको मतलब ये करूं, आगे बढ़ाऊं एज अ प्रोफेशन। जी प्रोफेशन। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेहनत करो तो अल्लाह इसका अजर देते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं मेहनत करती जा रही हूं और इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब हैं। वालिद साहब क्या? मेरे वालिद साहब जमील साहब हैं जो हारमोनियम के साथ, मतलब वो करते थे, मैं सुनती रहती थी। यानी कि वो हारमोनियम बिठाते थे। जी जी। तो आप पास बैठी होंगी और फिर उससे? जी मैं अपने बाबा से ही अपने सीख रही हूँ। अच्छा, आप तक आपने तकरीबन ज्यादातर उर्दू के या पंजाबी के सब गाने ही गाए? मिक्स जो सॉन्ग जैसे कि होता है, उर्दू भी लगा ले, पंजाबी लगा ले, पंजाबी गजल होती है, उर्दू गजल होती है। अच्छा, यानी कि गजल भी, नगमे भी। हाँ, और गाने भी। ये शुक्र है। ये जैसे आजकल वो कोई गानों की रैप भी किस्म है, उसे भी एक गाने ही समझा जाता है। वो आप उस तरह की चीजों से नहीं, लेकिन सुर साज ताल वगैरह की चीजों से ताल्लुक रखती है। जी जी, मैं ज्यादा कोशिश भी करती हूँ कि मैं क्लासिकल को भी करूँ। ठीक है। और करने से ही है, मेहनत करो उसका अजर फिर मालिक देते हैं। अच्छा, ये कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे कम से कम तकरीबन 18 साल हो गए हैं। अच्छा, इस फील्ड में। मेरा ख्याल है कि आप 18 साल की, और 18 साल ही आपको हो गई। देख ले, मैं बचपन में शुरू हो गई थी ना। अच्छा चले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो होता है रूहानी उस्ताद जो होता है, आप किसको देख के कहती हैं कि? ज्यादा फॉलो करती हूं मैं। हां जी, फॉलो। मैं मैडम नूर जहां जी को, जो मेरे दिल और धड़कन है, जान है, सबकी दिल की धड़कन और जान है। तो मैं यही कोशिश करती हूं कि सबका मतलब उनका आवाज नए चेहरे में दिखाई जाए। यानी जैसे वो गाती थी, उनको कॉपी करने की बेहतर से बेहतर कोशिश करती हूँ। इसीलिए आपने अपना नाम भी परी जहां रखा। उन्हीं से मतलब से ये उन्हीं का प्यार है और उन्हीं का तरस है मालिक का। अच्छा। जो मतलब मैडम नूरजहां से मैं जितना प्यार करती हूँ, वो मेरे अंदर ऐसा लगता है कि मैडम नूरजहां जी है। लाहौर में आई कितनी देर हो गई आपको? मुझे लाहौर में तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। आप स्टार्ट है नाज़रीन, हम इस टाइम बारी स्टूडियो में मौजूद हैं और परी साहिबा से हमारा इंटरव्यू जारी है। परी साहिबा, सबसे पहले जो आपका पसंदीदा गजल है, नमगा है, जो भी है, वो जरा सुनाए। आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात कर मैडम लता जी, उनसे तो मैं ज्यादा मुतासिर हूँ।
तो उनका भी सॉन्ग माशाल्लाह बहुत है, गाती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ। चले फिर आप नाज़रीन को सुनाएं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, तू मुझको और मैं तुझको, समझाऊं क्या दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी, दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। अच्छा मुझे ये बताइए, फिल्मों में अभी तक कोई गाने की ऑफर हुई? जी जी ऑफर हुई है फिल्म की माशाल्लाह, तो मैं कोशिश ही कर रही हूँ इंशाल्लाह कि वो भी रिलीज हो मेरे सॉन्ग। तो मेहनत का फल तो अल्लाह ही देता है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो अब भी दुआ कीजिएगा। जी जरूर। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ तो मौजूद थी परी जहाँ साहिबा, आपने उनकी सुरीली आवाज़ सुनी और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो कोई ना कोई अपना नया गाना भी खुद लॉन्च करेंगे। जी जी, मैं कसीदा भी इंशाल्लाह जो मालिक है, क्योंकि सबसे बड़ा नाम मालिक का है, उसके बाद मौला का है, ठीक है ना, तो मैं कसीदे भी करूँगी इंशाल्लाह, गजल गीत भी करूँगी, मतलब फिल्मों का काम भी करूँगी, मेरी यही मेहनत है। पांच पटिया पर कार्रवाई होता है जो सारे रंगों में डल जाए। हाँ जी, तो मेरा एक कसीदा आया, गाजी का परचम मैं गरते हलाया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया। जैसे कि अली हमजा ने मौला मेरा भी घर हो गया, उसका मैंने जवाब लिखा, गाजी दा परचम मैं घर ते गलाया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया, ज़ैनब दा वीरे अली दा गजाया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया, वफादाए गालिक ते चेहरा लिए, सहरा दे गुलशन दी पाक कलिए, सैयदां दे वेड़े दा कुल सरमाया, सैयदां दे वेड़े दा कुल सरमाया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया, सदा रखी मौला तू अलमा दा साया। ये मेरा कसीदा न्यू जो इंशाल्लाह कल या नहीं परसों आ गए। अच्छा जी, ये वैसे आपने अच्छा किया कि एक सीधा भी सुना दिया, सिर्फ ये नहीं कि गाने नहीं, नगमे भी, गजल भी और कसीदे पे भी आप तवज्जो रखती हैं। जी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज परी साहिबा, परी जहां साहिबा से इतनी ही मुलाकात, अगले निश्चित हम इनसे जरूर करेंगे, इनके जो नए अपने कसीदे, अपने नगमे होंगे, जो प्लेबैक ये गाना गाएंगी, वो भी हम इनसे इंटरव्यू लेते रहेंगे। जी, तो अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।